आपको अपने बाज़ार का सैर कराने वाला हूँ। ये हमारा पीरो बाज़ार है, पीरो मार्केट है, तीज का मार्केट लगा हुआ है। तीज त्यौहार जो है ये मनरसा और अनरसा चल कर है। लड़का बहुत ही मेहनती लड़का है, हर त्यौहार में कुछ ना कुछ बेचता है, कुछ ना कुछ का दुकान लगाता है। इसका दुकान ये पीटन देवी स्थान के कॉर्नर पर लगता है। तो जाते जाते मैं भी सोचा कि मैं भी ले लेता है। सीजन का ये सीजन में एक ही बार मिलता है अनरसा मनरसा। अभी तीज का त्यौहार चल रहा है तो सोचा मैं भी ले लूँ, क्या मुश्किल ले रहा है। और यहाँ से लेके हम सीधा पीरो स्टेशन के लिए निकलेंगे, और पीरो स्टेशन से पटना एयरपोर्ट के लिए निकलेगा, इसलिए कि मेरे को फ्लाइट पकड़ने का है कतर के लिए। पटना से दिल्ली और दिल्ली से कतर के लिए मैं निकलेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं इसको दो पार्ट में तैयार किया है। अभी पहला पार्ट आपको दिखा रहा है, तो चलिए देखिए। ये पीटन देवी स्थान का मेन गेट है, अभी कोविड की वजह से बंद है। टाइम टू टाइम खुलता है, सुबह को खुलता है और शाम को खुलता है। ये आरासा का मंदिर है, ये हमारा अजय धाम है, हरियर चौक का। ये हमारे गोसाई बाबा है, ये हमारे चित्र है। ये देखिए हरिया धाम है, पीरो का धर्मशाला। अब हम यहाँ से सीधा पीरो रेलवे स्टेशन के लिए निकलेंगे, तो चलिए मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे। तो हम पीरो स्टेशन पे आ चुके हैं, अभी यहाँ से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से ट्रेन पकड़ के पटना के लिए निकलेंगे। तो ऑलरेडी हम पीरो स्टेशन पे आ चुके हैं, अभी यहाँ पे ट्रेन आने वाली है, ट्रेन का टाइम हो चुका है। ट्रेन आएगी तो ट्रेन यहाँ से पकड़ के पटना के लिए यहाँ से रवाना हुआ जाएगा। देखिए ट्रेन का आवाज़ सुनाई दे रहा है, ट्रेन आ चुकी है, अभी ट्रेन पकड़ेगा यहाँ से। तो चलिए पटना एयरपोर्ट पे मिलते हैं। तो ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन में मैं बैठ गया है, ट्रेन के अंदर से वीडियो को शूट कर रहे हैं। गाँव की यही खासियत है कि गांव में बहुत ही हरियाली देखने को मिलता है। आगे हम आपको हरियाली हरियाली दिखाने वाले हैं। अभी ट्रेन अपना स्टार्ट हो चुकी है, अभी यहाँ से सीधा गड़नी स्टेशन पर रुकेगी और उसके बाद आ रहा।
तो अभी हम गढ़ानी स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए रुकती है, उसके बाद यहाँ से खुलेगी सीधा आरा स्टेशन के लिए। ये देखिए हम गढ़ानी स्टेशन आ चुके हैं। ट्रेन अभी खुल चुकी है गढ़ानी स्टेशन से, अभी सीधा आरा जाने के बाद ही रुकेगी, बीच में कहीं नहीं रुकती है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा, हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ। तो हम आरा स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। आरा में भी 10 मिनट के लिए रुकती है, इससे ज़्यादा नहीं रुकेगी, फिर यहाँ से सीधा खुलेगी पटना के लिए। ये हम आरा स्टेशन पे आ चुके हैं। आरा से गाड़ी खुल चुकी है, अब हम कोइलवर पुल पार कर रहे हैं। ये देखिए अपना कोइलवर पुल। पटना पहुंचने के बाद हम सीधा आपको पटना एयरपोर्ट ले चलेंगे। पटना एयरपोर्ट के बाद आपको दिल्ली, दिल्ली का भी एयरपोर्ट। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं।